नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2021 में आरसीबी टीम को अब दूसरा मुकाबला उनको अपना जो है कल खेलना है, यानी 14 अप्रैल को आरसीबी को एसआरएस के ख़िलाफ़ अपना दूसरा मुकाबला खेलना है। ऐसे में दोस्तों, इस मैच से पहले आरसीबी टीम के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सारी जानकारी आपको दूंगा दोस्तों, क्या है खुशखबरी ये बताऊंगा। तो अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसी याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे रोजाना अपडेट्स आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचती रहे। वहीं दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आरसीबी को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी याद से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आरसीबी टीम से जुड़ी रोजाना अपडेट्स आपको वहां पे मिलती रहे, वो भी सबसे पहले। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, क्या आप भी एक्साइटेड हो आईपीएल 2021 के लिए? आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि इस आईपीएल माई 11 सर्कल फैंटेसी ऐप पर करोड़ रुपए आप जीत सकते हो। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आप चैंपियंस खिलाड़ी जैसे कि दादा रहाणे और वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ियों के साथ खेल सकते हो। वहीं दोस्तों, सांसें थाम के बैठे, क्योंकि एनर्जी के किंग कहे जाने वाले रणवीर सिंह ने भी इस ऐप को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर खेलना बेहद आसान है, दोनों टीमों को मिला करके आपको खुद के 11 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है। तो इस आईपीएल आप सभी के पास यहाँ पर एक आरएस में सिर्फ 1 करोड़ जीतने का मौका है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1 रुपये में 1 करोड़ रुपये। वहीं मेगा लीडर बोर्ड का फर्स्ट प्राइस जो है 2 करोड़ रुपये रखा गया है। इसके साथ ही अगर आपकी टीम ने लक्ष्मण की टीम को बीट कर दिया तो आपको यहाँ पर 5 गुना ज़्यादा कैश मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 1500 रुपये का वेलकम बोनस भी मिलता है, और मेरे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको पहले डिपॉजिट पर यहाँ पर 20% एक्स्ट्रा कैश मिलता है। तो दोस्तों, आपके जीते हुए पैसे डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो कि काफ़ी सेफ़ और सिक्योर है। हाल ही में यहाँ पर कई लोगों ने करोड़ों रुपये जीते हैं। तो दोस्तों, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाकर इस ऐप को डाउनलोड करो और आज से ही खेलना स्टार्ट करो। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबल एंड एट योर ओन रिस्क। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आईपीएल के 14वें सीजन में जीत के साथ आगाज करने वाली आरसीबी की टीम को बड़ी राहत तब मिली है जब आरसीबी टीम के स्टार ओपनर पड्डिकल कोरोना वायरस से पूरी तरह से उबर चुके हैं और वापसी करने के लिए तैयार हैं। पड्डिकल का कहना है कि वह आईपीएल में घरेलू क्रिकेट के शानदार फॉर्म को जारी रखना चाहते हैं। पड्डिकल 22 मार्च को कोरोना वायरस का शिकार हुए थे। कोविड-19 की वजह से पड्डिकल को क्वारंटीन रहना पड़ा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से उबर चुके हैं और टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। पड्डिकल ने कहा है कि कोरोना एक झटका था, काश नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों पर अपना नियंत्रण नहीं होता। मैं वापसी पर खुद को पूरी तरह से फिट रखने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। पड्डिकल का कहना है कि वह पूरी तरह से फिट हैं। पड्डिकल ने कहा कि इस समय मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। आईपीएल में आपको हमेशा 100% तैयार रहना होता है, ऐसा नहीं होने पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आरसीबी टीम के लिए एसआरएस के खिलाफ मुकाबले से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी है, जहां पर पड्डिकल जो है मैच खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, वो पूरी तरह से फिट हो गए हैं। दोस्तों, पड्डिकल ने पिछले साल आईपीएल में अपने करियर का शानदार आगाज किया था। आईपीएल के 13वें सीजन में पड्डिकल ने आरसीबी के लिए सर्वाधिक 473 रन बनाए थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 6 मैचों में 218 और वीएचटी 2021 में उन्होंने 737 रन बनाए थे। पड्डिकल ने कहा कि पिछला आईपीएल मेरे लिए काफ़ी शानदार था, यह बेहतरीन अनुभव था। मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी प्रदर्शन ठीक रहा और विजय हजारे ट्रॉफी में भी मैंने अपनी लय हासिल की। आईपीएल 14 के लिए अपने पहले मुकाबले में आरसीबी टीम पड्डिकल के बिना ही मैदान पर उतरी थी, जहां पर हमें विराट कोहली और सुंदर जो है ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए थे। मगर दोस्तों, अब अगले मुकाबले से पहले पड्डिकल जो है पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और वापसी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए दोस्तों, अगले मैच में हमें हो सकता है कि विराट कोहली और पड्डिकल दोनों ही ओपनिंग करते हुए दिखाई दें। अगर पड्डिकल वापसी करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 में। इसलिए दोस्तों, पड्डिकल जो अगला मैच में वापसी करने वाले हैं, ये जो है टीम मैनेजमेंट की तरफ से खबरें निकल कर आ रही हैं। सभी फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जहाँ पर पड्डिकल जो वापसी करेंगे तो वो टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएंगे और ओपनिंग करते हुए टीम के लिए अच्छी अच्छी पारियाँ वो खेल सकते हैं। तो भाइयों, आरसीबी टीम को अपना अगला अहम मुकाबला जो है एसआरएस के खिलाफ खेलना है। हैदराबाद की टीम काफ़ी मजबूत है, उनकी गेंदबाजी लाइनअप जो है अच्छी है, इसके अलावा बल्लेबाजी भी उनकी काफ़ी मजबूत है। तो दोस्तों, आरसीबी टीम को यहाँ पर हैदराबाद से कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। वहीं आरसीबी भी लगातार तैयारी कर रही है, प्रैक्टिस मैचेस खेलते हुए दिखाई दे रही है, लगातार खिलाड़ी जो ट्रेनिंग कैंप में अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आरसीबी टीम भी जो है पूरी तरह से तैयार हो गई हैदराबाद को वहां पर हराने के लिए। ये मुकाबला भी चेन्नई में होने वाला है, ऐसे में दोस्तों आरसीबी टीम के गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा फायदेमंद साबित हो सकता है, जहां पर चेन्नई में थोड़ी सी रुककर गेंद आती है और वहां पर पहले मैच में हमने देखा कि आरसीबी टीम के गेंदबाजों ने अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। इसलिए दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा आरसीबी टीम के गेंदबाजों को मदद मिलती है चेन्नई में। अब देखना यह होगा कि क्या दूसरे मैच में भी गेंदबाज जो है वैसा प्रदर्शन कर पाते हैं जैसा उन्होंने पहले मैच में किया था। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।